हाय एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं टाइम फैक्टर्स इन प्राइस डिटरमिनेशन, मूल्य निर्धारण में समय तत्व। किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में समय का अपना एक महत्व होता है। समय तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मांग और पूर्ति की जो पावर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, उनको साम्य की इक्विलिब्रियम की स्थिति में पहुँचने में एक टाइम लगता है और काफ़ी समय तक उन शक्तियों से जो इक्विलिब्रियम बनता है वो पहले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंचता है, फिर जैसे जैसे समय व्यतीत होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है और लास्ट में लॉन्ग टर्म में कंप्लीट इक्विलिब्रियम की पॉइंट आ जाती है, एक पूर्ण साम की स्थिति आ जाती है। तो मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग उनके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए मार्शल ने प्राइस डिटरमिनेशन की दृष्टि से टाइम को चार भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है वेरी शॉर्ट पीरियड, अति अल्पकाल। सेकंड, शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल। थर्ड, लॉन्ग टर्म, दीर्घकाल। और फोर्थ है वेरी लॉन्ग पीरियड, अति दीर्घकाल। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में प्राइस डिटरमिनेशन की बात कर रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर वेरी शॉर्ट पीरियड होता क्या है। वेरी शॉर्ट पीरियड वह टाइम पीरियड है जिसमें मांग के चेंज के अकॉर्डिंग पूर्ति में चेंज करना संभव नहीं होता। इट मीन्स वेरी शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई है वो पूरी तरह से या लगभग बोलेंगे स्थिर रहती है। जो आपके सामने जो डायग्राम है, ऐसे जो वक्र है, जो लाइन वो है, वो एक लाइन, सीधी लाइन, खड़ी लाइन की अकॉर्डिंग बनाई है, दैट इज़ ओ वाई एक्सेस के पैरेलल में है। तो ऐसे जो लाइन है दैट इज़ सप्लाई, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। और अति अल्पकाल बाजार की वह पोजीशन होती है जिसमें समय इतना कम होता है कि वस्तु की सप्लाई को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता और पूर्ति स्थिर और निश्चित रहती है। इसी के कारण मूल्य निर्धारण में जो डिमांड है, डिमांड साइड है, उसका बहुत अधिक प्रभाव रहता है। और ऐसा देखिए, सामान्यतः पेरिसिबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए होता है। जैसे हम बात करें, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिश है, एग्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिनको बहुत लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता और उनको एक टाइम पीरियड में उनको सेल करना ही पड़ता है, अन्यथा वो क्या हो जाएंगी, पेरिसिबल हो जाएंगी और उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इन वस्तुओं में यदि मांग बढ़ जाती है तो मूल्य भी बढ़ जाएंगे और मांग घट जाती तो मूल्य भी घट जाएंगे। देखिए डायग्राम में ई पॉइंट अपना और इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है डी डी कर्व, डिमांड कर्व जो सप्लाई कर्व को ई पॉइंट पर कर रहा है, और प्राइस है ओपी। यहाँ डिसाइड हुई है ओपी, दोनों की साम्य शक्तियों के दोनों की शक्तियों के अकॉर्डिंग। जैसे ही डिमांड बढ़ती है डी डी से बढ़कर डी 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 वन हो जाती है, तो देखिए ई वन पॉइंट पर साम्य की स्थिति होती है और प्राइस डिसाइड हो रही है ओपी वन, जो कि बढ़ जाएगी। जैसे ही डिमांड कम हो जाती है डी डी टू हो जाती है डी से घटकर, तो प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट ई टू आ जाता है और प्राइस डिसाइड होती है ओ पी टू। क्लियर, ये कम हो जाती है, लेकिन प्राइस ज़्यादा है या कम है सप्लाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्लियर। यदि अब बात करें, यदि कमोडिटी नॉन पेरिसिबल है तो सप्लाई उस कमोडिटी की कुछ सीमा तक घटा और बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर S1 एक नॉन पेरिसिबल प्रोडक्ट की सप्लाई कर्व है, जो कि E1 पॉइंट तक तो अनस्टेबल है थोड़ी, और E1S1 तक ये स्टेबल है। तो कुछ सीमा तक ये घटाई बढ़ाई जा सकती है और उसके बाद ये स्टेबल होती है।
तो नॉन पेरिसेबल जो प्रोडक्ट हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जिनका कुछ समय तक अगर प्राइस सेलर के अकॉर्डिंग नहीं है तो उनको स्टॉक में रख लेता है, ताकि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो उनको सप्लाई करके उनको बेच दिया जाएगा। तो जो नॉन पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं वो ओ वाई एक्सेस के पैरल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनका कुछ भाग क्या होता है, स्टोर में रख लिया जाता है यदि सेलर के फेवरेबल प्राइस नहीं होती है, इसलिए वो सभी कमोडिटी को सेल नहीं करता है। और ऐसी कंडीशन में जो सप्लाई है वो एक सर्टेन प्राइस के बिलो नहीं आती है। क्लियर? क्योंकि उसके नीचे करने से उसको कोई फायदा नहीं होगा। यदि अब ये माने कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, कैसे? विद इंक्रीज इन डिमांड, एंड प्राइस विल नॉट फॉल बिलो रिजर्व प्राइस। क्लियर? तो इस बिंदु से नीचे वो प्राइस नहीं गिरेगी। तो देखिए यहाँ पर SS1 ओरिजिनल डिमांड कर्व है, और DD जो अपना इनिशियली डिमांड है, यहाँ बात करें ई पॉइंट पर काट रहा है, तो प्राइस डिसाइड हुई OP। क्लियर? और जो वस्तु जो बेची जा रही, दैट इज OM, और जो प्राइस है दैट इज OP और ME। क्लियर? मान लीजिए डिमांड हैज इंक्रीज एंड न्यू डिमांड कर्व क्या बन जाता है, D1 बन जाता है। तो देख लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आया है, जहाँ सप्लाई को काटा है इसने, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्राइस आ जाती है OP1, जो कि ME1 से ज़्यादा है। क्लियर? ज़्यादा है किससे? ओरिजिनल प्राइस OP से ज़्यादा है। अब मान लीजिए डिमांड और इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस विल ऑल्सो राइज एंड वाइस वर्सा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन प्राइस जो है वो OS से नीचे नहीं गिरेगी, इससे नीचे नहीं गिरेगी, बिकॉज इसके नीचे कोई सप्लाई नहीं है। क्लियर? तो इन वेरी शॉर्ट पीरियड जो डिमांड है उसका एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। अब बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है अनस्टेबल प्राइस होती है ये, दिस इज ऑलवेज चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए कभी स्टेबल नहीं रहती है। टेंडेंसी टू बी इक्वल टू नॉर्मल प्राइस, इसकी टेंडेंसी नॉर्मल प्राइस के इक्वल होने की है। मान लीजिए यदि मार्केट प्राइस जो है, जो शॉर्ट पीरियड मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा है नॉर्मल प्राइस से, तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगी डिमांड और सप्लाई की, जो डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है, और यदि कम है तो वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट होने से नॉर्मल प्राइस के अकॉर्डिंग हो जाएगी। मार्केट प्राइस जो है इसमें जो डिसाइड होता है, मोर इन्फ्लुएंस होती है किससे, डिमांड से। डिमांड एक एक्टिव रोल प्ले करती है इसमें, और मार्केट प्राइस में भी मोर लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? अब बात करते हैं शॉर्ट पीरियड की। तो देखिए शॉर्ट पीरियड वह अवधि होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन मांग के अनुसार कुछ सीमा तक उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते, उसमें चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज कैसे होगा, जो फर्म में जो फैक्टर्स लगे हुए हैं उनको पूरी तरह से उनका यूटिलाइजेशन करके उस मांग के अकॉर्डिंग डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को बढ़ाकर सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। सप्लाई कैन बी मेड बाय द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट कैपेसिटी एंड अदर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। फिक्स में तो हम चेंज नहीं कर सकते,
फर्म के स्केल में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकते, उनकी फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको यूज़ किया जा सकता है। और डिमांड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शॉर्ट पीरियड, बट सप्लाई ऑल्सो अफेक्ट प्राइस। डिमांड तो करती है लेकिन सप्लाई भी इसमें कुछ सीमा तक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है प्राइस डिटर्मिनेशन में। क्लियर? तो देखिए कर्व आपके सामने है, तो इस कर्व में MPS जो है दैट इज़ अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र है, और SPS अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। अब MPS वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन में है जो कि पूर्ति को स्थिर और निश्चित बताती है कि पूर्ति में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जबकि जो SPS है उसमें ये बता रही है कि पूर्ति में कुछ सीमा तक परिवर्तन हो सकता है। इसमें यदि मांग में वृद्धि होती है तो मूल्य बढ़ता है, और मांग में कमी होने पर मूल्य घटेगा, लेकिन अति अल्पकाल की अपेक्षा इसमें कमी वृद्धि और कमी होगी। तो यहाँ बात करें तो देखिए डी जो अपना इनिशियल डिमांड कर्व है डी, ये ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ प्राइस डिसाइड हो रही है ओपी। जैसे ही वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, क्लियर, डी से बढ़कर डी वन हो जाती है, तो प्राइस देखिए कहाँ डिसाइड हो रही है, E1 पर, शॉर्ट पीरियड पर, और वेरी शॉर्ट पीरियड की बात करें तो E1 पर हो रही है। तो इस तरह से ये उसके अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज होने से प्राइस में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर घट जाता है तो भी डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस में जो चेंजेस होंगे वो डिमांड के अकॉर्डिंग और सप्लाई के अकॉर्डिंग दोनों की तरह से हो जाएंगे। क्लियर? तो जो डिमांड घटने और बढ़ने का प्रभाव भी इस पे मूल्यों पर पड़ता है अति अल्पकाल में भी। अब बात करेंगे प्राइस लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड की बात करने हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म वह टाइम पीरियड है जिसमें सप्लाई में मांग के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज करना संभव होता है। इट मीन्स इस पीरियड में फर्म अपने स्केल में चेंज कर सकती है, और उद्योग में फर्मों की संख्या में भी चेंज आ सकता है, नई फर्में जुड़ सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में मांग में चेंज होने के साथ पूर्ति में भी चेंज होने की पूरी संभावना होती है, उसके अकॉर्डिंग पूर्ति बढ़ा दी जाती है। तो दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण में सप्लाई का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। क्लियर? क्योंकि दीर्घकाल में किसी वस्तु की पूर्ति उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग घटाई और बढ़ाई जा सकती है, इसलिए मूल्य निर्धारण में क्या लागू होते हैं, लॉज ऑफ रिटर्न लागू होते हैं। उनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब कौन कौन से नियम लागू होते हैं, लॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स की या डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। ये तब लागू होता है जब उत्पादन में वृद्धि से मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों बढ़ती हैं, और डिमांड में वृद्धि होने से जो नॉर्मल मूल्य है वो कैसा होगा, हाई रहेगा, और डिमांड घटने पर नॉर्मल मूल्य भी घट जाएगा। क्लियर? जैसे डिमांड बढ़ रही है प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड घट रही है तो प्राइस घट जाएगा। क्लियर? अब बात करेंगे लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की। लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लागू तब होता है जब मांग में वृद्धि होने पर सप्लाई में वृद्धि होने पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों घटने लगती हैं। इट मीन्स जो नॉर्मल मूल्य है वो भी घटेगा, और मांग में कमी होने से नॉर्मल मूल्य, सामान्य मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि कम उत्पादन में उत्पादन पर लागतें ऊंची होती हैं। क्लियर? जैसे कि इसमें बताया है
डिमांड घटने और बढ़ने से प्राइस में जो इफेक्ट आ रहा है। अब बात करेंगे लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की। यह नियम तब लागू होता है जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों कैसी होती हैं, स्थिर रहती हैं, और मांग में घटने बढ़ने से पूर्ति में घटने बढ़ने पर जो मूल्य होता है वो सामान्य मूल्य जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कि यहाँ बताया है। इसको फिर देखिए, अब ये जो दो तीनों जो हमारे ग्राफ हैं इसमें ये बात करेंगे कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, ये और देख लीजिए आप। देखिए जो लॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न है इसकी बात करें तो जो प्रारंभिक मूल्य है दैट इज ओ पी, मांग बढ़ने पर पूर्ति बढ़ाने से कितना हो गया है ओ क्यू, टू होने पर मूल्य कितना हो गया है ओ पी टू, जो कि पी क्यू से अधिक है। लेकिन अब हम बात करें जब समता नियम लागू होता है, यहाँ आ जाइए, नियम लागू होता है तो चाहे मांग बढ़े या घटे सामान्य मूल्य जो है दैट इज पी वन क्यू वन वो स्थिर रहता है, पी क्यू वो स्थिर है और पी टू क्यू टू वो भी इस तरह, मतलब तीनों मूल्यों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे वृद्धि नियम की तो इसमें जो मूल्य जो प्राइस है वो मांग बढ़ने पर कीमत ऊंची होगी और मांग घटने पर वस्तु का मूल्य नीचा होगा। तो पी वन क्यू वन इज ग्रेटर देन पी क्यू और पी क्यू इज ग्रेटर देन पी टू क्यू टू, क्योंकि मांग बढ़ने पर लागत कम होती है और मांग घटने पर लागतें अधिक होती हैं। क्लियर। अब बात करते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड की। देखिए वेरी लॉन्ग पीरियड है वो इतना लंबा पीरियड होता है कि इसको ऐतिहासिक दीर्घकाल भी कहते हैं, या इसे हम ये कहेंगे चिरकाल भी कह सकते हैं। इट मीन्स वेरी लॉन्ग पीरियड इतनी लंबी अवधि होती है जिसमें मांग और सप्लाई दोनों ही पक्षों में एक ये कह सकते हैं कि एक आधारभूत चेंजित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए वेरी लॉन्ग पीरियड की बात करें तो इसमें मांग पक्ष में पॉपुलेशन का साइज, लोगों की हैबिट्स, उनकी रुचि, उनका स्वभाव, इनमें चेंज हो जाता है। और इसी प्रकार यदि पूर्ति पक्ष की साइड में आएंगे तो प्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं, या बात करें कि कच्चे माल की जो नेचर है उसकी सप्लाई है, पूंजी की सप्लाई है, या ये कह सकते हैं कि नए आविष्कार भी हो सकते हैं, और जो कैपिटल प्रोडक्ट्स हैं उनकी लागतों में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जो वेरी लॉन्ग पीरियड हैज ओनली द थेरेटिकल इम्पोर्टेंस इन प्राइस डिटरमिनेशन, इट हैज ऑल्सो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर। तो ये कुछ टाइम पीरियड है जो कि मार्शल के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मूल्य निर्धारण में समय का जो अभिप्राय है वो घड़ी के समय कैलेंडर से नहीं है बल्कि एक ऑपरेशनल टाइम से है जो सप्लाई को डिमांड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में लगता है। फिर ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट पीरियड में मूल्य का निर्धारण मांग पक्ष का अधिक प्रभाव होता है, जबकि दीर्घकाल में
मूल्य धन में पूर्ति का अधिक प्रभाव होता है और दीर्घकाल में फर्मों की संख्या और फर्मों की साइज में भी चेंज किया जा सकता है। फिर ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक समय जो टाइम लग रहा है वो उद्योगों की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी फर्म के लिए अल्पकाल और किसी के लिए दीर्घकाल हो सकता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट पीरियड या मार्केट जो पीरियड है उसमें सप्लाई फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है और उसमें किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि लॉन्ग टर्म में सप्लाई में डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया जा सकता है। वेरी शॉर्ट जो पीरियड है उसमें जो प्राइस डिसाइड होता है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में जो प्राइस डिसाइड होता है उसे नॉर्मल प्राइस कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये टाइम पीरियड का जो समय पर जो प्रभाव पड़ता है मूल्य निर्धारण में उसको हमने आज डिस्कस किया।